हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अबाउट गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोटस को सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं। पहली वीडियो है ये, पार्ट वन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लोटस को हम पानी में, लोटस के जो सीड होते हैं इनको हम पानी में कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं, कि इनकी जर्मिनेशन कैसे हम जल्दी आसानी से स्टार्ट कर सकें। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। ये देखिए, ये लोटस के सीड हैं मेरे पास, इनको हम पानी में ग्रो करना सीखेंगे। तो आप देख लें, ये जो लोटस के सीड होते हैं इनकी दो साइड होती हैं, एक साइड बाहर की और उभरी हुई होती है नुकीली सी, और दूसरी साइड ऐसा होल सा बना होता है। ये देखिए, ये जो होल वाली साइड है इसे हमें स्क्रैच करना है। तो स्क्रैच करने के लिए आप इसे फ़र्श से भी रगड़ सकते हैं, या फिर ये जो सैंड पेपर होता है जिसे रेगमार कहते हैं, इस पर आप इसे स्क्रैच कर लीजिए। ये देखिए, इसको हमें स्क्रैच करना है। तो ये देखिए, इसको हमें तब तक अच्छे से स्क्रैच करना है जब तक जो अंदर का ये जो वाइट पार्ट है, जो सीड है, ये हमें दिखाई ना देने लगे। तो अभी हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमें सभी सीड्स को अच्छे से स्क्रैच कर लेना है इस सैंड पेपर से, सभी सीड का जो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे होल बना हुआ है, ये देखिए छोटा सा, इस पॉइंट को हमें स्क्रैच कर लेना है सभी सीड्स को। और ऐसे अंदर का जो वाइट सीड है ये दिखना चाहिए। तो पहले मैं इन सब सीड्स को स्क्रैच कर लेता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैंने लोटस के जो सीड्स थे, मैंने सभी सीड्स को ऐसे जो है स्क्रैच कर लिया है। ये स्क्रैच करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोटस का सीड होता है, इसका जो ऊपर का जो ब्लैक वाला सीड कवर है, ये बहुत हार्ड होता है। और अगर हम इसे ग्रो करने के लिए पानी में ऐसे ही डाल दें, तो ये जो ऊपर का कवर है, इसकी वजह से पानी लोटस के सीड तक नहीं पहुंच पाता, जो अंदर वाइट कलर का सीड है। तो इसीलिए इसे स्क्रैच करना ज़रूरी है। और जो इसे लगाने का टाइम है, आप पूरी गर्मी में कभी भी लगा सकते हैं, गर्मियों की स्टार्टिंग से लेके गर्मियों के एंड तक आप लगा सकते हैं इन्हें, फरवरी मार्च से लेकर और जो अगस्त सितंबर तक का टाइम होता है, वो इन्हें लोटस को सीड से ग्रो करने के लिए बेस्ट टाइम है। तो अब ये देखिए, हमें एक पानी का गिलास लेना है और इसमें हमें पानी डाल लेना है। इस गिलास में हमें पानी को डालकर अब ये जो लोटस के सीड हैं स्क्रैच किए हुए, इन्हें हमें इन पानी में डाल देना है। और अब इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, शेडी एरिया में रखें, लेकिन ब्राइट लाइट हो पूरा दिन वहाँ पे, ऐसी जगह पे इन्हें रख दें। ये जो दो सीड ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जब पानी सोख हो जाएगा अच्छे से इन सीड्स में, ये सीड जब फूल जाएंगे पानी से, तो ये सीड भी नीचे बैठ जाएंगे। तो इन्हें आप अपने टेरेस गार्डन में कहीं भी पौधों की छाया में रख दें। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने जो लोटस की सीड लगाए थे, इनकी जो जर्मिनेशन है स्टार्ट हो चुकी है। 8 दिन बाद का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं आफ्टर 8 डेज किस तरह से जो लोटस के सीड हैं ये स्प्राउट हुए हैं, और इनकी जो ग्रोथ है लीव्स की ये स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, हमारे लगभग सभी सीड्स की जो ग्रोथ है ये स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं आप, हमारे जो सभी हमने सीड लगाए थे सभी स्प्राउट हो चुके हैं, और सभी की नई नई शूट्स लीव्स निकलने लगी हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पर लगा सकते हैं लोटस को बहुत आसानी से। और ये देखिए, ये दो सीड मैंने 2 दिन पहले लगाए थे, यानी कि अब इनको 10 दिन हो चुके हैं लगाए हुए। तो देख सकते हैं जो इनकी लीव्स हैं ये कितनी लंबी हो चुकी हैं, इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हुई है। ये देखिए हमारे लोटस के सीड्स की,
तो आपने देख लिया कितनी आसानी से हम घर पर लोटस के सीड को पानी में आसानी से जर्मिनेट कर सकते हैं, कितनी आसानी से हम इनको अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं लोटस के सीड्स को। और ये लोटस के सीड आपको ऑनलाइन अगर आप बाय करेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी पंसारी की दुकान से लेते हैं जहाँ से हम ग्रोसरी राशन का सामान लेते हैं, पंसारी की दुकान जहाँ पर पूजा वगैरह का सामान भी मिलता है, वहाँ से आप ले सकते हैं, आपको वहाँ से ये जो लोटस के सीड हैं बहुत सस्ते मिल जाएंगे, बहुत ही चीप रेट पे आपको मिल जाएंगे, 10-20 रुपए में बहुत सारे सीड मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऑनलाइन में आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि आप किसी पंसारी की दुकान से लोटस के सीड लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने गार्डनिंग लवर फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।